जब आपके साथी आगे बढ़ते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा, राइट? तो आज मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरी एक कलीग आज टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस है जो आज घर घर पर मशहूर है। जी, ये कोई और नहीं, ये है तोसे नैना मिलाइके की खुशबू और आप सभी की जान अनुराधा सिंह। तो चलिए आज इनका स्वागत करते हैं श्रेष्ठ भारत पर। अनुराधा, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। थैंक यू सो मच। तो आपसे आज ये जानूंगी कि आप एंकर से एक्टर कैसे बनी और ये सफर आपके लिए कितना मुश्किल था और सेट पर आप कितनी मस्ती करती या आप चुपचाप ही रहती और जब शॉट आपका तैयार होता है जाके कर लेती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। और सफर से शुरुआत करती हूँ, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कैसा रहा मेरा एंकर से एक्टर बनने तक का सफ़र। तो मज़ा आया, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत चैलेंजिंग था या बहुत सफ़र करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, बिल्कुल नहीं करना पड़ा। बिकॉज हमारा बेस बहुत स्ट्रांग था जिस टाइम पे मैं दिल्ली में थी। आई वॉज वर्किंग एज एन फ्रीलांस एंकर और न्यूज़ चैनल में भी काम कर रही थी। तो जब यहाँ शिफ्ट हुई तो बहुत सारे फ्रीलांस के एंकरिंग प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास, तो फ्रॉम पॉकेट आई वॉज स्ट्रांग। एंड देन उसके बाद साथ साथ ऑडिशंस भी चलते थे, तो आई गेस 6 या 7 महीने के अंदर मुझे पहला ब्रेक मिल गया था। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक एक्सपीरियंस, मुझे कभी मुड़के नहीं देखना। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत लकी हैं आप इस मामले में कि मुड़के नहीं देखना पड़ा आपको। और अग्निफेरा की दुलारी, वो आज भी सबको याद है, ये रोल आपको कैसे मिला? कैसे मिला? मेरा एक शो खत्म हुआ था, मैं अनुपम खेर प्रोडक्शन का एक शो कर रही थी ख्वाबों की जमीन पर, वो था जिंदगी चैनल। उस टाइम पे मैं, मेरा 160 एपिसोड्स का था, तो वो बस रैप अप हुआ एंड मैं शूट से वापस आ रही थी, तो मुझे किसी ने बोला कि यार ये है इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन चल रहा है, तो तुम एक बार ट्राई कर लो। और मैं कन्विंस नहीं थी, बिकॉज उस टाइम पे होता है ना कि नहीं यार मुझे अच्छा दिखने वाला रोल करना है। एंड दैट रोल वॉज विद ऑरेंज से दो चोटी और थोड़ा गाँव गाँव का कैरेक्टर है, तो मुझे लगा नहीं इनिशियली मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी। बट ये फॉर्चुनेटली मैंने उसके लिए बहुत कन्विंस किया, मुझे सामने से सौरभ जी हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत कन्विंस किया मुझे, कर लो एक बार करके देखो पता चलेगा। मैंने ऑडिशन किया, सिलेक्ट हो गई, सेट पे गई और मैंने वो शो 2.5 साल किया है। लोगों को इतना पसंद आया कि वो शो के 7 साल हो चुके हैं शायद उसको ख़त्म होके, लेकिन अभी भी लोग मुझे उस नाम से और उस कैरेक्टर की वजह से याद रखते हैं। इनफैक्ट उसके बाद बहुत सारे मैंने काम किए, लेकिन वो जो पहचान है लोगों के दिमाग में, दिल में, वो वैसे ही बनी है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ। जी, जैसे कि आप एंकर भी रह चुकी हैं, तो एंकर आप रह चुकी हैं, तो अगर एज ए एंकर आप मेरे ख्याल से अभी भूली नहीं होंगी, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया, आप अगर एंकर अभी फिर से बन जाती हैं तो आप मेरा इंट्रोडक्शन कैसे करेंगी? गागी का इंट्रोडक्शन कैसे करूंगी? एज ए एंकर अगर आपको फिर से मौका मिला कुछ ऐसा करने का, जैसे आप एंकर भी रह चुकी हैं, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन कैसे करेंगी? फर्ज कीजिए कि मैं आपके शो में हूँ, तो एंकरिंग आपकी मुझे दोबारा से देखनी है। अरे अरे नहीं, मैं भूली तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं ना आप एक बार रिपोर्टर या एंकर रह लेते हैं तो आप वो पूरी जिंदगी रहते हैं, है ना? तो मैं भूली बिल्कुल नहीं हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितने अच्छे तरीके से गार्गी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है मैं उतने अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूँ अनुराधा। आज के अपने इस खास कार्यक्रम में मैं बुलाना चाहूंगी गार्गी चक्रवर्ती को, जो कि अब टीवी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है और मैं चाहती हूँ कि जितने अच्छे तरीके से मैं उनको जानती हूँ ऐसे ही आपको भी उन्हें जानने का मौका मिले। तो चलिए बुलाते हैं उनको अपने शो। शुक्रिया, बहुत अच्छे से याद है अभी भी कि कैसे एंग्री करती थी। और अच्छा तो ये ख्वाबों की जमीन पर पहला ब्रेक हम मान सकते हैं कि इसके जरिए ही फिर आपको ये दुलारी और ये सब फिर किरदार मिलने लगे। गार्गी पहला प्रोजेक्ट मेरा था, स्टार प्लस का एक शो था मेरे अंगने में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि स्फेयर ओरिजिन में मुंबई में आई हूँ, 6-7 महीने में मुझे स्टार प्लस का शो मिल गया। तो उसमें कैरेक्टर बहुत लंबा नहीं था, मैंने कुछ 4 महीने वो शो किया था, लेकिन शुरुआत के लिए बहुत अच्छा था। एक बूस्ट चाहिए होता है आपको नए शहर में नया काम शुरू करते हुए, कि आपको एक्सेप्ट कर लिया है शहर ने, फिर उसके बाद आगे की फाइट शुरू होती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आपको कितने चांस मिलते हैं उसके बाद। तो पहला प्रोजेक्ट तो मेरा वही था और उसके बाद दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट था ख्वाबों की जमीन। जी, इसके बाद फिर आपने पीछे मुड़ के देखा नहीं, बहुत अच्छी बात है। पुष्पा इम्पॉसिबल और इमली में भी आपने बहुत ही दमदार किरदार निभाया,
तो उसमें भी लोगों का बहुत प्यार मिला, तो ये दोनों सीरियल्स आपको कैसे मिले? पुष्पा इम्पॉसिबल कोविड के बाद मुझे मिला, एंड मैं कोविड में थोड़ा सा आई वाज गोइंग थ्रू सम यू नो इमोशनल ट्रॉमा एंड ऑल, आई वाज नॉट वेल बाय दैट टाइम. तो मैंने सोचा था कि शायद मैं कंटिन्यू ही नहीं करूंगी उस फील्ड में, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है वो फेज ही ऐसा था 2-3 साल का कि जिसने लोगों को ना बहुत सारे रियलिटी चेक दिए. और मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार नहीं, कोई भी चीज ऐसे ही ओवर हो जाएगी, तुरंत खत्म हो जाएगी, तो हम किस लिए दौड़ रहे हैं, क्या करना है. तो मैंने कुछ 4-5 महीने का ब्रेक ले लिया था. मैं मुंबई में थी, मेरे किसी रिलेटिव के घर थी मैं, और फिर मैंने सोचा था मैं वापस नहीं लौटूंगी. पर फिर वापस उन लोगों ने इनकरेज किया और मुझे बोला कि नहीं, जो काम है वो करना ही चाहिए. सो मैं वापस मुंबई आई कोविड के बाद, एंड आई वॉज ट्राइंग अगेन, क्योंकि शुरुआत आपको करनी पड़ती है. एक बार शो खत्म हो गया और आप एक्टर हैं तो बस आप सेमी नोन फेस हो गए. पहले आपको कोई नहीं जानता था, अब आपको लोग जानते हैं, शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन हो जाते हैं, बस इतना ही स्ट्रगल कम होता है. अदरवाइज एक शो खत्म होने के बाद दूसरे शो की फाइट उतनी मुश्किल है जितनी किसी भी नए एक्टर के लिए होगी. तो वापस आई जब, तो शुरुआत की अपने आप को इमोशनली गियर अप करके, और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर काम शुरू हो गया. तो ज्यादा वक्त नहीं लगा खुद को संभालने में और काम वापस से शुरू करने में, और वो चलते चलते ही 6-7 महीने बाद ही मुझे इमली भी मिल गया. तो एक टाइम तो ऐसा था कि मैं दोनों शो एक साथ मैनेज करती थी, और दोनों शो के बीच में, मतलब सेट के बीच में कुछ आधे घंटे के सफर का डिफरेंस था. तो मैं इमली के सेट पे जाती थी सुबह, और ब्रेक के टाइम पे ट्रैवल करती थी, और ब्रेक के बाद मैं पुष्पा इम्पॉसिबल करती थी. लेकिन ये भी मैं ज्यादा टाइम करती पाई तो पुष्पा छोड़ना पड़ा. जी, बट आपने दोनों ही सीरियल में बहुत कमाल का रोल प्ले किया था. अच्छा, दुलारी के डायलॉग्स कुछ मैं सुनना चाहूंगी आपसे, कि दुलारी की स्टाइल में आप बोलो, क्योंकि दुलारी के नाम से अभी भी आपको लोग बेहद पसंद करते हैं, तो वो डायलॉग्स अगर आप कुछ बोल पाए. तो वो कैसा था, बिल्कुल यूपी एक्सेंट था, और जो लोगों से बातचीत, और सुपर एक्टिव और बहुत हाई एनर्जी कैरेक्टर था. तो आप मेरे साथ क्योंकि काम कर चुके हैं गाड़ी, तो आपको पता होगा कि पर्सनली भी ये सारे एस्पेक्ट्स हैं मेरे अंदर, है ना. मैं बहुत शांत होकर सीरियस होकर काम नहीं कर सकती, मैं अपना काम करती हूँ, जैसे कि मुझे टाइम मिलता है मैं मस्ती भी करती हूँ. सो हाउ आई गॉट दिस शो, और उसके बाद फिर ऐसे ही मजे मजे का सब कुछ चल रहा था. तो मैं आपको छोटा सा चंक सुनाती हूँ. उसमें ना मैं मेरी बुआ को ऐसे एड्रेस करती थी कुआ बोलकर, क्योंकि जहाँ का ये कैरेक्टर था वहाँ पे बुआ को कुआ बोलते. तो मैं उनको बोलती थी कि ए बुआ, हम कब से तुमको आवाज लगा रहे, तुमको सुनाई नहीं दे रहा हम क्या बोल रहे हैं. तो दिस इज हाउ द लैंग्वेज वाज सर. जो आपका वो कैरेक्टर था वो बहुत ही फेमस था, और आपका लुक दो चोटी बना के ऐसे आना, वो बहुत ही लोगों को बहुत ही पसंद आया था वो रोल. तो इसके बाद अगर सेट पे अगर अभी की बात करूं मैं, तो उसे नैना मिलाइके के इसमें आप सेट पे कितनी मस्ती करती है, जैसे आप बिना मस्ती के रह नहीं पाती हैं, तो किस किस को सबसे ज्यादा तंग करते हैं, या आपने प्रैंक किस किस के साथ किया अपने को-स्टार्स में से? देखिए, क्योंकि ना इस सीरियल में हमारा 7 डेज का टेलीकास्ट है, तो 7 दिन के टेलीकास्ट में और सीन्स इतने भर भर के आते हैं. मैं अभी भी आपको दिखाऊं तो पास पूरी स्क्रिप्ट पड़ी आज के दिन की, जो आगे पीछे सारी तरफ छपा हुआ है, और ये सारे सीन्स हैं मेरे. तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता, और सेट पे एक, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो पूरा पहले तो ये रहता है कि अपनी लाइन्स बाय हार्ट हो जाएं, सीन समझ में आ जाए, सीन का जस्ट समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर मस्ती और प्रैंक. मतलब यहाँ पर जो मेरा बेटा प्ले कर रहा है, निक्की उनका रियल नेम है और अवधेश कैरेक्टर नेम है, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. फिर एक सानिया है मेरी क्वार्टर, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. जो मेरे ऑपोजिट हैं संजय बत्रा जी, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जो अब मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहे हैं उनके नाम से. जी, वैसे भी आप पहले से कि आप घुल मिल बहुत ही जल्दी जाती थी, आपको बहुत जलप होने में अच्छा लगता है, और आप हो भी जाती है जल्दी, तो आपको उस पर तो टाइम नहीं लगता है. लेकिन इस सीरियल से भी घर घर पर आप काफ़ी फेमस हो रही हैं, तो इस सीरियल के बाद क्या आप OTT पे कोई सीरीज या कुछ करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल करना चाहूंगी, और मेरी यही कोशिश है. मतलब जब से मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, मुझे लगता है मैं 16-17 से काम कर रही हूँ यहाँ पर, तो मेरी ये कोशिश है कि हर बार हर साल कुछ नया एक्सपीरियंस एड ऑन मैं करूँ. तो OTT ऑब्वियसली दैट्स इन माई लिस्ट, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चल भी रहा है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं. अच्छा प्रोजेक्ट अगर होगा, बिकॉज मेरे भी कुछ बार्स हैं कि मैं कैसा काम करना चाहती हूँ, कैसी स्टोरी होनी चाहिए, तो अगर उसके हिसाब से सब कुछ बढ़िया मैच कर जाता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी.
आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट रहा जब आपने बोला कि मुझे अब एक्टिंग करनी है और मुझे मुंबई आना है, रहना है, तो आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट रहा आपको? ये एक मजे की बात है गार्गी, मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मुझे मुंबई जाना है और मुझे क्या करना है ना। ये सिर्फ ट्रायल एंड टेस्टेड था कि मैंने अचानक से एक दिन सोचा कि यार मीडिया में काम नहीं करूँगी, अब मुझे एक्टर बनना है। सो आई टुक अ ब्रेक और मैंने कुछ 6-7 महीने का ब्रेक लिया था, बिकॉज उस टाइम पे वैसे आप तो मेरे साथ काम कर चुके हैं, आपको पता है मैं बहुत बोलू मोलू सी थी, और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसे तो एक्टर नहीं बन सकती मैं कि जाके मैं बोलूँ कि मुझे एक्टर बनना है और लोग मुझे ऐसे ऊपर से नीचे स्कैम कर रहे हैं कि हाँ मतलब अब किसी को भी एक्टर बनना है क्या। तो मैंने अपने ऊपर काम किया, थोड़ा सा ग्रूम किया खुद को, और फिर अचानक से ऐसे ही आ गई मैं मुंबई। टच वुड, मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ, सब कुछ बाबा जी की दया से सब कुछ इतना अच्छा चला, बढ़िया हुआ कि फिर मैंने बोला ना कि वापस मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तो घर वालों को जब मैं टीवी पे मेरे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए तब उनको पता चला कि अच्छा मुंबई चली गई है और फिर तो सब सब ठीक था, मतलब सब खुश है अभी। हाँ जी बिल्कुल। आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, तो एक दो डायलॉग्स अगर जो फेमस वाले हैं आप अपने फैंस के लिए, क्योंकि आप रील भी डालती हैं इंस्टा पे, तो वो भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मैं देखती हूँ भर भर के कमेंट कर रहे हैं, आपकी आँखें खास करके लोगों को बहुत पसंद आती है और वाकई में बहुत प्यारी आँखें हैं। तो कोई फेमस डायलॉग सुना दीजिए हमारे फैंस के लिए कि वो डायलॉग जो आपकी पसंद के हों किसी भी सीरियल के। अभी एकदम से तो मुझे याद नहीं आएगा कि क्या एग्जैक्ट डायलॉग, लेकिन हाँ आप सभी लोगों का पूरे दिल से शुक्रिया कि आपको इतना प्रेस कर रहे हैं। बहुत अपने आप को लकी महसूस करती हूँ कि मैं मेरे पोस्ट का इंतजार करते हैं वो, अगर मैंने कुछ पोस्ट किया है तो वो वीडियोज उतना देखते हैं या उस पर कमेंट्स आते हैं। तो यस, लेकिन अगली बार अगले इंटरव्यू पे मैं पक्का इस प्रिपरेशन के साथ आऊंगी गार्गी की, तो अचानक से मुझसे कुछ भी पूछ लोगे और मैं डायलॉग। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास टाइम की भी कमी है, इसलिए टाइम भी नहीं दे पा रही थी आप, और अचानक से मैंने टाइम लिया है आपसे। अच्छा, अगर दुलारी इस शो का इंट्रोडक्शन करती अपने स्टाइल में, दुलारी किस स्टाइल में करती? चलो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ हैं गार्गी जी। गार्गी जी इस शो की होस्ट है और गार्गी जी के साथ हमको ये काम करने का मौका मिला है कि हम आप लोगों से बातचीत करें, तो हमको अभी बातचीत करके बहुत मजा आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी उतना ही मजा आ रहा होगा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा मस्ती करने का भी आपको टाइम मिले। मुझे पता है आप मस्ती बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन स्क्रिप्ट जैसे कि आपने दिखाया इतने लंबे लंबे स्क्रिप्ट से उनको याद करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मस्ती नहीं कर पा रही है। उम्मीद है कि मस्ती के साथ आपका काम यूं ही चलता रहे, जिस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ है और पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा है, तो भगवान की कृपा से वो मौका ना मिले आपको और आप आगे ही बढ़ती जाएँ, OTT पर आए और फिल्म्स में भी आपको हम देखें बड़े स्क्रीन पर, यही उम्मीद है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गार्गी, और आपके लिए भी कॉम्प्लीमेंट है कि मतलब मैं सुन रही थी आपको बोलते हुए और मुझे लग रहा था कि जिस टाइम हमने साथ ही काम किया था उस टाइम में आपकी अच्छा सामना बंगाली टच वाली थी, बट नाउ यू साउंड लाइक प्रो, क्या सुंदर हिंदी बोल रही हो, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, श्रेष्ठ भारत से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ अनुराधा सिंह। हर घर पे इनकी अलग ही पहचान है क्योंकि अलग अलग सीरियल में इन्होंने अलग अलग दमदार रोल प्ले किया है और हमारे साथ जुड़ी थी, अपने उन्होंने सफ़र के बारे में बताया और किस तरह से वो स्क्रिप्ट इतनी लंबे लंबे स्क्रिप्ट छोटे टाइम में याद कर लेती है, सारे कुछ बातें उन्होंने शेयर की हैं। ऐसे ही और ख़ास कार्यक्रम के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।